बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वाले सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान अहमद अफरीदी, कोऑर्डिनेटर ईओसी खैबर पख्तूनख्वा। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आज जो हमें एक रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ स्कूलों से, और जिसको गलती से पोलियो के साथ एसोसिएट किया जा रहा है, डेफिनेटली वो मेरे लिए और तमाम हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के लिए, हमारे लिए एक अहम चीज़ है और एक सेंसिटिव इशू है, क्योंकि हमारी तवज्जो, हमारी मकसद, हमारा तमाम काविशें हमारे बच्चों की, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, आवाम की, उनकी भला और फलाह के लिए हैं। पोलियो वैक्सीन जो है ये दुनिया में तमाम में टेस्टेड वैक्सीन है, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त मौजूदा कैंपेन में पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पूरे पाकिस्तान में ये वैक्सीन दी जा रही है। इस वक्त सिंध से लेके बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, हर सूबे में इस वक्त ये कैंपेन चल रही है, बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। इस वैक्सीन के बारे में ये बताया जाता है, और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं हमारे मुल्क की सतह पे, जो इंटरनेशनल की हम बात नहीं करेंगे, जो हमारे अपने इदारे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उनकी तरफ से सर्टिफाइड है कि ये वैक्सीन बहुत बेज़रर वैक्सीन है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ पोलियो वायरस से हमारे बच्चों को, नस्ल को अपाहिज होने से बचाना है। लेकिन हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, जो कि आप हमारे अपने बच्चों का, हमारे पेरेंट्स के, इनके कंसर्न हमारे लिए मोहतरम है, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में मैं हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का फैसला और हमारा फैसला ईओसी का ये है कि हम 10 रुकनी हाई प्रोफाइल कमेटी बना रहे हैं, ताकि वो इस चीज़ को भी चेक कर सकें कि जो मौजूदा इस वक्त वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है, इसको दोबारा रीचेक किया जा सके, और रीचेक कराने के बाद इसको हम आपके साथ इसकी रिपोर्ट भी शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीमें, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स, सिविल इंतजामिया, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, हेल्थ डिपार्टमेंट, तमाम के तमाम एक लड़ी, एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। पोलियो वैक्सीन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी जगह पे है तो वो भी इंक्वायरी टीम से हमारे सामने आ जाएगी, और इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने पूरी रिपोर्ट रखेंगे, और किसी भी गलत अफवाह प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बनिएगा। इस पर बहुत शुक्रिया।